Everyone, welcome to SSB Pharma Learning. Today we are going to study about recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology kya hota hai? Recombinant word do words se milkar bana hai. Re plus combinant. Re ka matlab hota hai dubara aur combinant matlab milana. To matlab hum jab kisi cheez ko dubara generate karke milate hain to usko hum recombinant bolte hain. और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जिससे हम अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या अपने पूर्वजों के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आगे बच्चों में भेजते हैं या मतलब आगे बच्चों में वो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं. डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉल बर्ग ने 1972 में जनरेट की थी. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या यूज है? हम लोग दो डीएनए को मिला के आगे नए कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रोजेनी जनरेट करते हैं. जैसे हम लोग काउ जनरेट करते हैं, ट्रांसजेनिक काउस बोलते हैं उनको. पहले जो काउ का प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्शन था वो कम था, हमने उनमें दूसरे काउस का वो करा डीएनए जनरेट, तो उससे उनका जो मिल्क प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया. और हमने टमाटोज में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करी तो उससे क्या हुआ, पहले जो टमाटर थे वो बहुत जल्दी सड़ जाते थे क्योंकि टमाटर की शेल्फ लाइफ कम होती है. अब बिना फ्रिज में रखे भी टमाटर 2 से 4 दिन चल सकते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ गई है. उन टमाटर को हम फ्लेवर सेवर टमाटो बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में. हमने शीप भी ट्रांसजेनिक शीप भी बनाई जिसको डॉली नाम दिया. सबसे पहले हमने ट्रांसजेनिक शीप ही बनाई थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से. उससे क्या हुआ, हमने शीप का जो वूल प्रोडक्शन था वो इंक्रीज किया. वूल प्रोडक्शन इंक्रीज करने से जो उसकी वूल की जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी हुई. धीरे धीरे जो हमारे वूलन कपड़े थे वो अच्छे होते चले गए. पहले क्या होता था, कपड़े चुभते थे हमारे या वो खराब हो जाते थे, उन पर जल्दी रुआ हो जाता था. अब वो सब नहीं होता. और हमने कॉटन बीटी कॉटन जनरेट करी, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा जिससे कॉटन की जो क्वालिटी थी वो इंक्रीज हुई. कॉटन के जो कपड़े थे अब वो ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी हो गई है और वो जल्दी ख़राब नहीं होते, फेड नहीं होते इसी वजह से. अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो डीएनए लेते हैं हम. एक जहाँ से हमने लिया है उसको बोलते हैं टारगेट डीएनए. जैसे हम एक काउ, जैसे हमने काउ बनाई ट्रांसजेनिक काउ, तो हमने किसी और काउ से जो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती थी सबसे पहले उसका डीएनए लिया. जिससे लिया उसको बोला टारगेट डीएनए और जिसमें डाल रहे हैं उसको बोल रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर. उस टारगेट डीएनए से हमने एक छोटा सा पार्ट लिया और उधर से भी एक छोटा सा पार्ट लिया और उसको होस्ट सेल में डाल दिया, मतलब नई काउ में डाल दिया ताकि वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे. अब जो उसके आगे आने वाले बच्चे होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उनमें वो खुद ब खुद आगे बढ़ता जाएगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं? सबसे पहले हम आइसोलेशन करते हैं डीएनए का. हमने डीएनए आइसोलेशन की वीडियो पहले भी बनाई है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी सैंपल लेते हैं. जैसे हमें कोई टमाटर ही, टमाटर का मैंने आपको बताया था कि टमाटर की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करी है, तो हमने क्या किया, टमाटर का सैंपल लिया, उस सैंपल को हमने डिटर्जेंट में डाला और उसकी जो सेल्स थी उनको मार दिया. उसके बाद हमने उसमें प्रोटीज और आरएनएज डाला. प्रोटीज क्या करता है, जो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनकी डेथ कराता है और आरएनएज जो उसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है उनकी डेथ कराता है. उसके बाद हमने उसको सेंट्रीफ्यूज करके सुपरनेटेंट कलेक्ट कर लिया और इथेनॉल से ट्रीट करके डीएनए के फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करे. अब जो हमने वहां से डीएनए कलेक्ट किया, अब जैसे मैंने पहले बताया था कि हम टारगेट डीएनए को कट करते हैं, अब हम कट किसकी हेल्प से करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से. डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन. हम लोग न्यूक्लियोटाइड से उनको कट कर लेते हैं और जैसे अब कट करने के बाद दो एंड्स बचे तो उनको बोलते हैं हम स्टिकी एंड्स. उसके बाद हम डीएनए को ज्वाइन कराते हैं. जैसे मैंने बताया था पहले कि हम कट करने के बाद उसको ज्वाइन कराते हैं दूसरे डीएनए के साथ, तो उसको ये रहा, जैसे हमने वहां से कट करा टारगेट जीन, उसको हमने दूसरे डीएनए के साथ ज्वाइन करा रहे हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से. डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से डीएनए को ज्वाइन कराते हैं. एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, जब हमने उसको ज्वाइन करा के होस्ट सेल में डाल दिया तो आगे जैसे जैसे जब प्रोजेनी बढ़ती जाएगी तो उस प्रोसीजर को एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं.
एप्लीकेशंस. मैंने कुछ एप्लीकेशंस आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताए थे. जैसे अब एक साइंटिफिक एप्लीकेशन है, जैसे हम ट्रांसजेनिक माउस बनाया. ट्रांसजेनिक माउस जैसे एक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक होता है ओबीओबी माउस. ओबीओबी माउस एक डायबिटिक माउस होता है. अगर हम उसको यूज करेंगे अपनी स्टडीज के लिए फार्माकोलॉजी में, तो क्या होगा, हमारे थोड़े पैसे कम खर्च होंगे, हमें उसे डायबिटीज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम कम लगेगा और वो रिजल्ट्स भी अच्छे परफॉर्म करेगा. इसलिए हमने ट्रांसजेनिक माउस की प्रोडक्शन स्टार्ट करी. डॉली शीप का मैंने आपको बताया था, वूल की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए. देन उसके बाद एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन, वही कॉटन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. राइस में हमने ब्राउन राइस वगैरह बनाए, जीएम राइस बनाए. जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज करी, राइस जिसमें प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा हो ऐसा राइस प्रोड्यूस करा हमने. कॉर्न, पहले क्या होता था, कॉर्न के थोड़े दाने छोटे छोटे होते थे, अब हमने कॉर्न की प्रोडक्शन इंक्रीज करी और उसके जो दानों का साइज था वो थोड़ा बढ़ गया. पपाया, बिना बीज वाला या कम बीज वाला पपाया प्रोड्यूस करने की कोशिश करी और जिसमें ज्यादा वो हो प्रोटीन्स वगैरह. बीटरूट और ऑयल सीड रेप और सोयाबीन्स, ये सब हमने जीएम फूड में वो कराए हैं, जीएम फूड की फार्मिंग कराई है अब तक. अदर एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे अगर कोई भी हमारी जेनेटिक बीमारी चलती आ रही है सदियों पुरानी कोई भी, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उनका आगे डीएनए चेंज कर सकते हैं ताकि वो आगे आने वाले बच्चों को बीमारी ना हो और वहाँ पे वो ट्रीट भी हो जाए. और हम लोग उसका क्राइम वगैरह में क्रिमिनल को पहचानने में भी यूज कर सकते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में कि कहीं पे कोई क्राइम सीन पे वो लोग सैंपल्स कलेक्ट करते हैं डीएनए के, जैसे बाल हो गया, नेल हो गया, क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट में लगभग डीएनए प्रेजेंट होता है. तो उसकी हेल्प से वो लोग एक क्रिमिनल को पहचान सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. अब जैसे आने वाले साल में अगर हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते रहेंगे तो मे बी हमारे एग्रीकल्चर में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, हम लोगों को और अच्छा खाना खाने को मिलेगा और मतलब जो ज्यादा प्रोटीन रिच होगा, और हम लोगों की जो कपड़ों की क्वालिटी है या कोई भी चीज डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, जो चीजें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से उनको इंक्रीज करते जाएंगे और आगे आने वाले टाइम हमारा और अच्छा होता रहेगा. प्लीज ये वीडियो सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा.